राज्यपाल किसी राजनीतिक दल के सम्मेलन से दूर रहते हैं, लेकिन बिहार में मंगलवार को सारी परंपरा को ताक पर रखकर राज्यपाल फागू चौहान ने भाजपा नेताओं द्वारा आयोजित नोनिया बिंद बेलदार महासंघ द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लिया और वहां भाषण भी दिया। दुनिया बेलदार भाषण बिहार प्रदेश द्वारा आयोजित सामाजिक समरसता सम्मेलन में उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस सम्मेलन यह बिहार में पिछले महीने नियुक्त राज्यपाल फागू चौहान मंगलवार को एक से अधिक जातियों के महासंघ के बैनर तले राज्यपाल का अभिनंदन किया गया। मंच पर अधिकांश नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल भाजपा के मंत्री मौजूद थे। मंच पर खड़ा होने को दो ही बात होती है, अपनी पार्टी का प्रशंसा करिए या तो विपक्ष की आलोचना करिए। मैं दोनों नहीं कर पाऊंगा, जो संविधान से बता हुआ सत्ता पर क्या करोगे दिखाएंगे कि ये तो बीजेपी के स्पोकमैन बन गए। अगर विपक्ष को कहूंगा तो कहेंगे अरे ये तो जो है गलत कि यह सभी लोगों को महामहिम को बैठ कर महामहिम की कुर्सी को बैठ करके हम लोग की आलोचना कर रहे हैं। दरअसल राज्यपाल के अभिनंदन के बहाने बीजेपी की असली नज़र बिहार के 30% अति पिछड़ा वोट बैंक पर है। कोशिश ये भी है कि ऐसे सम्मेलन के बहाने आरक्षण के मुद्दे पर उनके नेताओं खासकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से हुए विवाद पर भी विराम दिया जाए। राज्यपाल उनके नाम और उनकी जाति को बताकर बिहार में बीजेपी राजनीति करती आई है, लेकिन 4 वर्ष पूर्व जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बिहार के आरा में तत्कालीन राज्यपाल और वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जाति बताई थी, तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना था कि यह कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ा है। लेकिन वही नीतीश कुमार आज सत्ता में बने रहने के मजबूरी के कारण मौन है और उनके सत्ता में सहयोगी बीजेपी के मंत्री संवैधानिक मर्यादाओं का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। पटना में कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।